Hey, hi guys, how are you? Hope you are doing well. और अभी आज फ्राइडे है और सुबह के 10 बज रहे हैं. दक्ष अभी अभी गया है स्कूल और अभी मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है. मैं टोस्ट बना रही हूँ और दूध उबलने वाला है. दिखाती हूँ आपको. देखो मेरे टोस्ट बन रहे हैं. एंड मिल्क इज बॉइलिंग. तो अभी बाहर हो रही है बारिश. मॉनसून का सीज़न है. मज़ा आ रहा है. मॉनसून का सीज़न तो हमेशा ही अच्छा लगता है. सबको ही अच्छा लगता है. और अभी मैं पुणे में रहती हूँ. आपको पता होगा जो मेरे वीडियोस देखते हैं. पुणे का मॉनसून तो इतना अच्छा होता है कि क्या बताऊँ. मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम से तेज़ बारिश होगी और फिर बारिश बंद हो जाएगी और धूप निकल आएगी. ऐसा नहीं है. यहाँ पे दिन भर बारिश होती रहती है और पूरे एक दो महीने लगातार बारिश होती रहती है. दिन भर रिमझिम 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 बारिश होती है. कभी थोड़ा तेज भी होगी फिर बंद हो जाएगी. लेकिन हल्की हल्की बारिश पूरे दिन होती रहती है. तो पूरे दिन इतना अच्छा अच्छा कूल कूल और इतना रोमांटिक मौसम होता है ना. मैं नॉर्थ में 30 साल, तो वहाँ पे मानसून में क्या होता है, बारिश होती है लेकिन फिर उसके बाद कड़क धूप निकल आएगी और फिर ह्यूमिडिटी यू नो और बहुत चिप 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 फील होता है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. और यहाँ पर बारिश में कोई अपनी लाइफ रुकती भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि यार अभी बारिश हो रही है तो थोड़ी देर रुक जाऊँ उसके बाद ऑफिस जाऊँ या कहीं जाऊँ. उन्हें पता है कि ये तो दिन भर होने वाली है तो लोग लगे रहते अपने काम पर. दिखाती हूँ आपको बाहर. देखो ट्रैफिक चल रहा है अभी भी. सब आ रहे हैं जा रहे हैं. मतलब कहने का मतलब ये कि बारिश की वजह से कोई यहाँ पे अपने काम नहीं रोकता है. और मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट का. टीवी के बहुत बड़े एडिक्ट हैं, स्पोर्ट्स के तो स्पेशली. तो बस 2 मिनट में ब्रेकफास्ट आ रहा है. ओह माय गॉड, दूध बिल्कुल उबल के गिरने वाला था, बच गया. तो गाइस मैंने ना एक कुछ नई चीज़ ऑर्डर की है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ. ये है मसाला चाय. मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है. ऑर्गेनिक ब्रांड है इसका. ये एक ऑर्गेनिक चाय है और ये आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी. आई डोंट नो कैसा होगा टेस्ट, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. और खोलते ही ना आहा, क्या फ्रेग्रेंस है इसकी. इसके अंदर मैं दिखाती हूँ आपको. ये लिड है, स्टिक्स हैं इसके अंदर और ऐसे टी कप्स हैं और चाय का है. चाय एक्चुअली पहले खुशबू ले लूँ. चाय इसके अंदर ही आप देखोगे. बट ये गिरेगी नहीं क्योंकि उस यहाँ पर इसको ऐसे कवर किया हुआ है. मतलब ये पैक है एक लेयर से तो ये गिरेगी नहीं. इसके अंदर चाय है और इसको बनाना बहुत इजी है. इसमें ये दिया है कैसे बनाना है. यू हैव टू जस्ट इसको एक कप निकालिए, इसमें हॉट वाटर या फिर हॉट मिल्क जो भी आपको पसंद है डालिए. शुगर पसंद है तो शुगर डालिए या शुगर तो डालेंगे, बिना शुगर के टेस्ट नहीं आएगा. बट अगर आपको ब्लैक टी पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है तो आप इसको ऐसे भी पी सकते हैं. और फिर आपको सिर्फ 3 मिनट तक वेट करना है लिड को लगा के और उसके बाद आपकी ये जो टी है वो मसाला टी बिल्कुल रेडी है पीने के लिए. यू नो इसको ऐसे पी के मुझे ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में या मॉल में बैठ के जाओ, अपनी चाय या कॉफ़ी का मज़ा लेते हो ना इस टाइप के कप में, बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है. तो बस मैं इसको बनाने जा रही हूँ और बनाने के बाद और पीने के बाद आपको बताऊंगी कैसा रहा इसका टेस्ट. मैं इसमें यूज करने जा रही हूँ मिल्क. इसमें जो अंदर ये एक वो लगा है ना कवर जिससे रोक के रखा है, उस पर ऐसे लिखा नहीं कि इसको रिमूव करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि इसको रिमूव करके तब पोर करो कुछ भी और, इसलिए मैं ये मैंने निकाल दिया है. बट इसमें ऐसा मेंशन नहीं है कि इसको आपको निकालना है, इसमें जस्ट ऐसे ही वाटर पोर करना है. बट मैंने ये निकाल दिया है. आई थिंक निकालना ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. इसको आप ऐसे निकाल भी सकते हैं. ये देखो चाहिए इसके अंदर. तो मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस मिल्क डाला है और शुगर भी ऐड कर दिए. अब मैं इसको 3 मिनट के लिए ये लिड लगा के रखने वाली हूँ. मेरे टोस्ट रेडी हैं. अब मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ फन फूड्स की सैंडविच मेयोनीज. ये मुझे बहुत पसंद है.
अब ब्रेकफास्ट यहीं पे लेके आऊं या बाहर बालकनी में करना है? यहाँ पे बाहर चलो ना, बाहर बारिश भी हो रही है, अच्छा लग रहा है। टीवी 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 के चक्कर में लोग बीवी को भूल जाते हैं। एनीवेज चलो, तो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। टी पी के बताइए टेस्ट करके कैसी है। कैसी है मसाला चाय, सही लगी? मतलब पैसे वसूल हो गए मेरे इसको खरीदने के ना। तो ये तो मेरे हस्बैंड का रिव्यू था, मैं आपको बताती हूँ कैसी है मसाला चाय। अच्छा यार, और घर पे बैठ के आपको अगर रेस्टोरेंट का मजा लेना है, और जिस दिन आपका चाय बनाने का भी मूड नहीं होना, जस्ट आपको इसमें गर्म पानी या गर्म दूध डालना है, और क्या चाहिए। तो मैंने अपने लिए दो ही बनाए। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप भी इसको परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड आई थिंक यू शुड गिव इट ट्राई, एक बार लेके देखो, अच्छा लगेगा आपको। ऊपर से बरसात का मौसम है, जब मन चाहे गर्म दूध या पानी डालो, आपकी चाय रेडी। एंड रियली टेस्टी तो है यार। तो ये तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं टीवी मैच के हाइलाइट्स, और मैं बोर हो रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी 10-15 मिनट के लिए अपनी चाय एंजॉय करने के लिए बाहर बालकनी में जा रही हूँ। बाहर बारिश भी हो रही है। हाँ यार जाना है मुझे, बारिश हो रही, इतना अच्छा मौसम है। आई मीन सीरियसली यार, क्या लग रहा है, इतना अच्छा मौसम छोड़ के अंदर ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देखना मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। देखो इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, इतने अच्छे टाइम को अंदर टीवी देख के वेस्ट करने में क्या फ़ायदा है, क्या समझदारी है, कोई भी नहीं। तो जब भी बारिश होना, आप भी अपनी बालकनी में आके बैठो, गर्म गर्म पकौड़ों की चाय के मजे ले, लाइक मी। तो मेरी चाय और ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये देखो नीचे ना सारी ऐसे चाय की पत्ती रह गई है, आउट सॉरी गिर गया, सारी चाय की पत्ती नीचे है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के कहने पे मैंने ये वाली लेयर हटा दी थी, वो बहुत ज़्यादा यू नो सेफ्टी रखते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, तो उन्होंने कहा कि ये पेपर पता नहीं हेल्थ के लिए अच्छा होगा कि नहीं, बट ये पेपर नहीं, जो टी बैग वाला पेपर होता है ना वो है, तो आप इसको नीचे लगे रहने दो। उससे क्या होगा ना, आपको सिर्फ उसमें वाटर या मिल्क पोर करना है, तो जो चाय की जो पत्ती है वो नीचे ही रहेगी, वो ऊपर नहीं आएगी। ये मैंने हटा दिया इसलिए पूरी चाय की पत्ती नीचे मिक्स हो गई है। ये थोड़े ओवर स्मार्ट हो गए हम लोग यहाँ पर। तो इसको लगे रहने दीजिए, उसके बाद पानी या वाटर पोर करिए। हेल्थ के लिए बिल्कुल कोई भी डेंजरस चीज़ ऐसे नहीं है यार, जो टी बैग होता है वही है, ऊपर से कौन सा आपको खाना है। ये जस्ट आपकी चाय की पत्ती को नीचे रखेगा, उसका कलर फ्रेग्रेंस जो भी उसका टेस्ट है वो सारा मेल्ट होके चाय में आएगा, ठीक है। तो यही बताना था आपको। अब मैं थोड़ा अपना आगे का काम निपटा लूँ, किचन पूरा बिखरा हुआ है, घर के काम बिखरे हुए हैं, नहाना है, खाना बनाना है, और उसके बाद दक्ष को लेने के लिए स्कूल जाना है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो दिन के बज गए हैं 1 और मेरा लंच बन रहा है। आज मैं लंच में बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, जो पकौड़े बन रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हस्बैंड ऑफिस जाने वाले हैं, मतलब दक्ष भी स्कूल से आ गया है, और मैं उसको देने जा रही हूँ ये पकौड़े। उसको ये कोफ्ते वाले पकौड़े लौकी के बहुत पसंद है। ये आपके फेवरेट पकौड़े आ गए। दक्ष स्कूल से आ गया है, मैं ही उसको लेने गई थी बाहर। सुबह से अभी तक बारिश हो रही है, गर्म है आराम से, कहा सुबह से बारिश हो रही है, तो इस रेनी सीजन का आज फर्स्ट टाइम दक्ष ने रेनकोट पहना, तो बहुत एक्साइटेड था ये रेनकोट पहन के। कैसा लगा रेनकोट पहन के, मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत टेस्टी टेस्टी था। टेस्टी रेनकोट टेस्टी होता है। बहुत पानी में छपा छपा किया इसने। ये देखिए आप जो मेरा ये एप्रन देख रहे हैं, दिखाती हूँ,
ये मेरा एक्चुअली एक सूट था पहले, तो ये पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा इसको इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। और मैंने इसके बैक साइड का पोर्शन कट करके और ऐसे दो ये बना के एक नेक पे लगा लिया डोरा और एक इधर बैक में लगा लिया, और ये बन गया मेरा स्टाइलिश एप्रन। अच्छा आइडिया है ना। तो आपके भी अगर कोई ऐसा सूट है जो आपको पसंद हो और आप उसको ऐसी कंडीशन में हो कि पुराना हो गया, आप उसको फेंकना भी नहीं चाहते बट पहन भी नहीं सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि उसका इनफैक्ट दो एप्रन बन जाएंगे उसके, एक फ्रंट वाले पोर्शन से और एक बैक वाले से, तो उसके एप्रन बनाइए और डेली उसको पहन भी सकते हैं और वो यूज़ भी हो जाएगा। बन गए मेरे कोफ्ते की पकौड़ियाँ। तो गाइज ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। मतलब मेरा मॉर्निंग जो है ना वो बहुत बहुत बिजी रहता है कि सुबह उठो, फिर दक्ष को रेडी करो, उसको स्कूल भेजो, उसका टिफिन रेडी करो, फिर आके ब्रेकफास्ट बनाना है, घर की नो साफ सफाई सारे काम, आई डोंट हैव एनी मेड, तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन कटका ये वो कपड़े वपड़े सब मुझको ही करने पड़ते हैं, और फिर लंच की तैयारी, हस्बैंड के ऑफिस के टिफिन की तैयारी, क्योंकि वो दिन में 3 बजे ऑफिस जाते हैं तो टिफिन लेके जाते हैं, तो 3 बजे तक का जो टाइम है ना बहुत बिजी रहता है। उसके बाद बीच में अपना भी नहाना है, अपना और काम है, फिर दक्ष को लेने के लिए स्कूल जाओ आओ, उसको यू ना घर के काम खुद ही करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि आप फिट रहते हो, क्योंकि आप फिजिकली एक्टिविटी करते हो तो फिजिकली फिट रहते हो, और दूसरा आप पैसे बचाते हो, वो भी डबल तरीके से। कैसे? वो ऐसे कि एक तो आप अपने मेड के पैसे बचाते हो कि भाई झाड़ू कटका और बर्तन को जो उसको पैसे अप्रॉक्सीमेट 1500-1600 रुपये तो देते हुए, 1500-1600 नहीं यार, आई थिंक अब तो 2000 के आसपास हो गए दो कामों का रेट, तो वो आप महीने के वो बचाते हो, प्लस आप अपने जिम के 1500 या 2000 जो हर महीने इन्वेस्ट करते हो वो बचाते हो, यानी कि हर महीने आपका 3000-4000 रुपए ये बचते हैं, और प्लस आप फिट रहते हैं। और जब हम घर का काम खुद करते हैं ना तो हमें एक सुकून भी मिलता है, हमें घर अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, अपने हिसाब से साफ करते हैं, तो भाई मुझे इसलिए अपने घर का काम खुद करने में ही अच्छा लगता है, अपने घर का काम मुझे खुद करना ही पसंद है। कैसा लगा आपको वीडियो? जैसा भी लगा हो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और ऐसे ही मानसून में आप भी बारिश का मज़ा लो और आपका पूरा मानसून बहुत 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 अच्छा जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और आपका मानसून बहुत 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 अच्छा जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भी मैं विश करूंगी कि आपका मानसून बहुत अच्छा जाए। रोज़ आपके जिस भी एरिया में रहते हो, आप इंडिया के या इंडिया के बाहर जिस भी एरिया में रहते हो, रोज़ बारिश हो, और आप बारिश में भीगो, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ और अपनी फैमिली के साथ करो इंजॉय, और मेरे वीडियोज़ भी देखते रहो। मैं मंडे वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन हफ्ते में वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज यार कर दो ना सब्सक्राइब।